अब देखते हैं हम इलास्ट्रेशन नंबर 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, यहां तक. इट्स एवरेज लाइफ म्यू बोल रहा है. इट्स एवरेज लाइफ इज 2040 आवर्स. 2040 म्यू मीन ही तो बोला. एवरेज का मतलब क्या? मीन इफ 3.36% एरिया दे दिया. जब भी हम परसेंट देख रहे हैं क्या सोच रहे हैं? हमको एरिया मिल चुका. इफ 3.36% ऑफ बल्ब्स हैव मोर देन 2150 आवर्स. मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं. पी ऑफ एक्स मोर देन है लेस देन है? मोर देन. एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2150 इज इक्वल टू 3.36% का मतलब क्या? 3.36/100. यहां तक सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. इसको जेड फॉर्मेट में लेके चलते हैं. आगे कुछ बोला क्या? देन फाइंड द वेरियंस ऑफ बल्ब्स. ठीक है, स्टैंड डेविएशन मुझे नहीं पता और पूछ लिया है कि इसका ये वैल्यू बताओ. तो ये जब तक नहीं पता रहेगा ये हम पता कर पाएंगे क्या? जाहिर सी बात है नहीं. तो पहले स्टैंड डेविएशन पता कर लेते हैं, फिर हमारा इजी तरीके से हम स्टैंड डेविएशन पता कर पाएंगे. ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन फ्रेम हुआ. क्वेश्चन फ्रेम होने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. आपको इतना लॉजिक चलना चाहिए. अब आप इतने क्वेश्चन परफॉर्म कर चुके हो कि आपका लॉजिक इतना हो चुका है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. क्या मैं बोल सकता हूं x माइनस म्यू अपॉन स्टैंड डेविएशन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2150 माइनस म्यू कितना है 2040 अपॉन स्टैंड डेविएशन. नहीं पता मैं लिख दूंगा ये वैल्यू. बाकी तो Z1 है ना, मेरे को सपोर्ट करेगा. ये तीनों में से कोई भी वैल्यू मुझे नहीं पता होगा तो Z1 हमारे को वैल्यू लाके देगा. चलो फिलहाल चलते चलते हैं. 0.0336 बराबर चले, सॉरी 0.0336 इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा. यहां तक भी हमारा हो गया. अगला स्टेप, पी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या? यस, 110 अपॉन स्टैंड डेविएशन इज इक्वल टू 0.0336. जेड इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये वैल्यू में से कुछ भी मैं कहीं पे भी फंस रहा हूं ये फाइंड करने में, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे लिख दूंगा Z1. यही एक सहारा है हमारे पास. ठीक है, चलो अब चलते हैं हम यहां पे आ जाते हैं. ये हमने बना दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ये हमारा 0, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी. देखिए क्वेश्चन को समझिएगा. जेड इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू Z1. लेस देन इक्वल टू बोला क्या? नहीं बोला. जेड का वैल्यू क्या है? Z1 से ज्यादा है. Z का वैल्यू क्या है? Z1 से ज्यादा है. और ज्यादा कितना है? 0.0336. मतलब Z1 मैं कहीं पे भी रखूंगा तो वो कहां रखूंगा? देखो Z का वैल्यू क्या है? कुछ लेस देन में बोला है क्या कि Z इतने वैल्यू से कम है? नहीं, डायरेक्टली बोला कि ये जो Z है Z1 से ज्यादा है. तो Z1 से ज्यादा क्या मैं यहां रख दूंगा क्या? नहीं, मेरे को वैल्यू कहां रखना पड़ेगा? यहां पे. क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि यही एरिया मेरे को तो कवर करना है ना. जेड यही एरिया में तो आएगा ना. देखो ना, जेड इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू Z1. अगर लेस देन रहता है तो हम इस साइड से चलते हैं, ग्रेटर देन रहता है तो हम राइट साइड से चलना शुरू करते हैं. देखो ये पूरा एरिया जेड कवर करने वाला है और ये एरिया की वैल्यू क्या है? 0.0336. जेड का वैल्यू Z1 से ज्यादा. और Z1 से कितना ज्यादा? 0.0336. ये रहा 0.0336. मतलब पूरा इंफिनिटी तक मैं कवर करने वाला हूं. ठीक है, Z1 को मैं वहां पुट करूंगा जहां से मेरा वैल्यू 0.0336 दिखे. तो मेरे को कहीं यहां पे दिखा तो मैंने ये वैल्यू को कवर कर लिया है ना. चलो आगे देखते हैं. क्या मैं इस वैल्यू के थ्रू डायरेक्टली Z1 फाइंड कर सकता हूं? नहीं फाइंड कर सकता, मेरे को ये वैल्यू पता होना जरूरी है. तो ये वैल्यू हम पता करेंगे तो कैसे आएगा? लिख लेते हैं नोटेशन. ये टोटल पी ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इंफिनिटी माइनस पी ऑफ Z1 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इंफिनिटी. ये टोटल की वैल्यू आएगी 0.5 माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.0336. इसका वैल्यू क्या आएगा?
फोर समथिंग कितना है देख लेता हूं मैं एक बार, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 0.4664, है ना, 0.4664, ये वैल्यू आ गया। अब अगर ये मेरे को वैल्यू आ गया तो मैं डायरेक्टली Z1 फाइंड कर सकता हूं ये एरिया का टेबल में देख के। तो मैं यहां पहुंचूंगा, ये एरिया का टेबल में पहुंचूंगा, एरिया के पास जाऊंगा, मेरा ये Z स्कोर का टेबल यहां पे पहुंचूंगा और देखूंगा मैं तो 0.4664 ढूंढूंगा मेरे एरिया में कहां है भाई, कहां है भाई, कहां है, मिला मेरे को कहां कहां मिला, देखो डायरेक्टली वैल्यू मिला मेरे को 1.83 में। कितना मिला है उसका वैल्यू, 1.83 पॉजिटिव में है, राइट साइड था ना, पॉजिटिव में। तो मैं बोलता हूं कि Z1 का वैल्यू क्या आ चुका है, 1.83। अब ये आ चुका है तो ये भी फाइंड हो जाएगा, कैसे लिख देता हूं, Z1 इज इक्वल टू था 110 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। Z1 का वैल्यू मेरा गिवन है, क्या गिवन है बताओ भाई, 1.83 इज इक्वल टू था 110 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इधर लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 110 अपॉन 1.83, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 60.11। मेरे को ये वैल्यू आ गया 60.11। अगर ये वैल्यू आ जाएगा तो यही वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करोगे, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करोगे तो आपको वेरिएंस मिलेगा और वेरिएंस का वैल्यू होगा 3613.21। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15। ये इलस्ट्रेशन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिए। इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16, जो कि सिमिलर क्वेश्चन चल रहा है, बिल्कुल सिमिलर चल रहा है। जितने क्वेश्चंस आप देख रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन सिमिलर ही चल रहे होंगे। यहां से कोई एक वैल्यू घट जा रहा है और वो वैल्यू नहीं पता चल रहा है तो हम यहां से फिर घूम के हम यहां पे आ रहे हैं, है ना। Z1 का वैल्यू पता करने के बाद हम फिर से आ रहे हैं और इसका वैल्यू हम इजीली निकाल पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 16। चलिए अब बढ़ते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 16 और देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। लिखा हुआ है द प्रॉफिट इन डेली बिजनेस ऑफ अ बिजनेसमैन हैविंग ग्रोसरी सेल फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। चलो अब मेरे को वही टाइप के वैल्यूज मिलेंगे जो पहले घिसा पिटा मिल रहा था। वेरियंस ऑफ प्रॉफिट इज 22,500। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए था, वेरियंस दे दिया, चलो ना भाई वेरियंस दिया ना, काफी है मेरे लिए 22,500। इसी को मैं स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर दूंगा, इसका रूट निकालूंगा तो क्या आएगा 150। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू मुझे इनडायरेक्टली गिवन था 150। फिर बोला एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डेली प्रॉफिट इज लेस देन 1000 इज 0.0918। प्रोबेबिलिटी भी गिवन है मुझे, मतलब एरिया दे दिया है मुझे 0.0918। कितने का, तो लेस देन 1000। क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, पी ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1000। क्वेश्चन फ्रेम करना आ गया तो आगे का सॉल्यूशन कोई भी टफ नहीं है, बस क्वेश्चन फ्रेमिंग में ही जो दिक्कत होने वाला है होने वाला है ना। पी ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंड डेविएशन लेस देन इज इक्वल टू 1000 माइनस म्यू, नहीं पता क्वेश्चन में दिया नहीं तो मैं क्या करूं, फाइंड कर लूंगा ना भाई, अपॉन 150 इज इक्वल टू 0.0918। जो क्वेश्चन में नहीं दिया है वो हमको निकालना पड़ेगा, वो हम निकालना जानते हैं। ये तीनों में से कोई भी एक वैल्यू नहीं दिया हो रहा है तो वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, चार्ट पे से घूम के आप वापस से, क्योंकि जेड वन तो हमारा देवता है ना ऐसे टाइम पे, तो जेड वन का सपोर्ट लेंगे, बोलते हैं भाई जेड आप चलो हमारे साथ, आप हमको वैल्यू दो, आपके वैल्यू के थ्रू हम ये वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। चलिए 0.0918 यहां तक मुझे पता है, आगे बढ़ते हैं प्लस इंफिनिटी। अब क्या बोल रहे हैं, देखो जेड का वैल्यू जो है जेड वन से कम होगा, जेड का जो वैल्यू है जेड वन से क्या होगा, कम होगा, कम होगा, कितना कम होगा, 0.0918, ये देखो यही एरिया होगा 0.0918, हो गया बात खत्म। कोई लिमिट नहीं दिया था, आगे कोई लिमिट है क्या, यहां पे बीच में कोई लिमिट है क्या, नहीं दिया है, डायरेक्टली बोला कि जेड का जो वैल्यू है जेड वन से कम होगा 0.0918,
ठीक है, मैं लिख लेता हूं भाई जेड का वैल्यू, ये मान लो जेड वन है, तो जेड वन से यही तो ये पूरा जेड का एरिया हो गया, बात खत्म। कोई लिमिट नहीं दिया ना, इसीलिए मैं पूरा खींच लिया इस साइड पे, ठीक है। अगर कुछ लिमिट देता तो बीच में भी वैल्यू आ सकता था, इधर भी वैल्यू आ सकता था, इधर भी वैल्यू आ सकता था, लेकिन इसने डायरेक्टली क्या बोला कि जेड का वैल्यू जो है जेड वन से कम है। जेड वन, जेड मेरा कहां रखूंगा, कोई बीच का वैल्यू तो दे ही नहीं रहा है। कभी कभी आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, देखो जैसे बोला कि p ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू z1, इस तरीके का क्वेश्चन आया 0.0918। तो इसका चार्ट मैं किस तरीके से फ्रेम करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि 0 और z1 के बीच का वैल्यू बोल रहा है, 0 और z1 के बीच का वैल्यू बोल रहा है, z जो रहेगा 0 और z1 के बीच में लाई करेगा, तो 0 और z1 के बीच में लाई करेगा, तो मैं बोलता 0 और z1 मतलब ये एरिया कवर करने वाला है ना, ये दोनों इंटरवल दे दिया ना भाई। लेकिन यहां पे आपको कोई इंटरवल दिख रहा है क्या, कुछ भी इंटरवल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा। डायरेक्टली लिखा होगा कि जेड का जो वैल्यू है लेस देन इज इक्वल टू जेड वन है, मैं बोलता हूं ठीक है जेड वन ये रहा पूरा वैल्यू तुम्हारा 0.0918, लिख दिया मैं उसके हिसाब से। चलो ये चीज क्लियर हो चुका होगा आपको। अब आगे क्या करना है, मुझे जेड वन का वैल्यू फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि जेड वन आएगा तो मेरा म्यू पता होगा, क्योंकि इसने मुझे म्यू पूछा है कि म्यू बताओ कितना होगा, ठीक है। चलो चलते हैं, जेड वन का वैल्यू मैं ये वैल्यू से नहीं पता कर सकता हूं, लेकिन अगर ये वैल्यू मुझे पता रहा तो मैं पता कर सकता हूं। तो जीरो और जेड वन के बीच में क्या वैल्यू आएगा उसके लिए नोटेशन लिख लेता हूं, पी ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन जेड लेस देन इज इक्वल टू जीरो माइनस पी ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन जेड लेस देन इज इक्वल टू जेड वन, ये वैल्यू होता है 0.5 माइनस 0.0918। इसका करेंगे तो माइनस करने के बाद वैल्यू आएगा हमारा 0.4082, ये एरिया आ गया मुझे 4082, ये एरिया आ गया। तो मैं डायरेक्टली जेड टेबल में जाऊंगा, एरिया में देखूंगा 4082 डायरेक्टली गिवन है क्या, हाँ डायरेक्टली गिवन आपको मिलेगा, और जेड वन का वैल्यू डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा 1.33, लेफ्ट साइड है तो माइनस 1.33। क्लियर हो रहा है सबको, ये डायरेक्टली आपको जेड टेबल में मिल जाएगा 1.33 में, जेड का वैल्यू मेरा आ गया, जेड वन का वैल्यू मेरा आ गया। लिखता हूं यही चीज को रिपीट कर रहा हूं, जेड वन इज इक्वल टू 1000 माइनस म्यू अपॉन 150। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगला स्टेप होगा जेड वन का वैल्यू के साथ में, माइनस 1.33 इज इक्वल टू 1000 माइनस म्यू अपॉन स्टैंड डेविएशन कितना है 150, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये इधर आएगा माइनस, लिखेंगे माइनस 1.33 मल्टीप्लाई 150 माइनस 1000 इज इक्वल टू माइनस म्यू। आप कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको म्यू का जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू मिलेगा 119.5। देखो भाई कैलकुलेटर मैं वीडियो के टाइम पे नहीं चला सकता क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ले लेगा, कैलकुलेटर आप यूज़ कर लेना, ये कैलकुलेशन आपको करने को आता है, ये कैलकुलेट करना, फिर उसमें से ये माइनस करना, ये माइनस माइनस हटा देना, फिर म्यू इज इक्वल टू 1199.5 आपको वैल्यू मिल जाएगा। ये था हमारा इलास्ट्रेशन नंबर 16, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे इलास्ट्रेशन 17, 18, 19, 20, 21, 22, जो भी दो वीडियो मैं कोशिश करूंगा, दो से तीन वीडियो में आपको वो सारी चीजें कवर करके दे दूं। चलिए।